बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स, वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें, तब ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो साथ साथ मिलती रहें। चले आएँ, पिस्ता आइसक्रीम बनानी स्टार्ट करते हैं। पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक कप विप क्रीम ली है, ये बिल्कुल ठंडी है। आप देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी जमी हुई भी फील हो रही है, बिल्कुल चिल होनी चाहिए। चले आए, क्रीम को विप करते हैं। ये फ्लफ़ी होकर डबल हो जाए उस वक्त तक हमें इसको विप करना होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ़ होनी शुरू हो गई है। कंप्लीट स्टिफ होने तक इसे हम बीट करेंगे, तकरीबन 5 मिनट हम इसे बीट करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल स्टिफ हो गई है, अब नीचे नहीं गिर रही। अब हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया। अब मैं इसमें पिस्ता एसेंस डालूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर डाल के मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 कप के करीब कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये मैंने टिन पैक लिया है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अगर आप चाहें तो ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, मैंने कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी डाली हुई है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। अब मैं ग्रीन कलर के 2-3 ड्रॉप्स डालूँगी इसमें और इसको मिक्स करेंगे ताकि पिस्ता आइसक्रीम जैसा बिल्कुल शेड इसका लाइट ग्रीन सा बन जाए। ये मैंने पिस्ते काट के लिए हुए हैं, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर हैं। कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया, इसमें सारी आइसक्रीम डाल दें। इस तरह लेवल कर दें इसका। बाकी का पिस्ता जो बचा था वो मैं अच्छे से ऊपर डाल दूंगी। अब ये बटर पेपर मैंने लिया है, ये इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, वरना आइस क्रिस्टल बनने का डर होता है। ये हम अच्छी तरह इसको लगा के ऊपर से बंद कर देंगे। अब मैं इसे फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे तक रखूँगी। आप पूरी रात भी रखें तो बेहतरीन, आइसक्रीम और ज़्यादा अच्छी तरह जम जाएगी। चलें, 8 घंटों बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी। व्यास, 8 घंटे हो गए। चलें, अब देखते हैं कि आइसक्रीम जम गई होगी इंशाल्लाह। मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। ये ऊपर से उतार दें। वाओ, ज़बरदस्त। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम जमी है। चले आए, खा के देखते हैं कि कैसी बनी है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट वाओ, ज़बरदस्त है। आप यकीन करें, बाज़ार की आइसक्रीम से भी ये बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल मैंगो का सीज़न भी है और गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बिल्कुल आसान रेसिपी है और बहुत ही मुख्तसर से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंगो का पल्प मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर लिया है। ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगो थे, तकरीबन 1/2 kg मैंगो होगा जिसका मैंने पल्प लिया। बादाम मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। पिसी हुई चीनी मैंने 2 टेबल स्पून ली है और विपिंग क्रीम के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ये 200 का एक पैकेट है, यानी 400 ml मैंने विपिंग क्रीम ली है। बस इतने से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं।
जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लें, इसमें व्हिपिंग क्रीम जो है वो डाल लें। अब हम इसे उस वक्त तक व्हिप करेंगे कि ये डबल साइज में हो जाए फूल के। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह आप इसको 2 से 3 मिनट व्हिप करें। काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें आप चाहें तो वनीला एसेंस डालें या मैंगो एसेंस, जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं। इसके देखें ये स्टिफ पीक्स बन गए। अब इसमें मैंगो पल्प हम शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह सारा पल्प जो है मैंगो का वो इसमें मिक्स कर लें। मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर येलो ऐड करूंगी, जर्दे वाला जो कलर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कलर डालना चाहें तो डालें नहीं तो ना डालें। अब इसको थोड़ा व्हिप करेंगे ताकि अच्छी तरह से कलर मिक्स हो जाए। क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। अब मैंने एयर टाइट कंटेनर एक ले लिया, इसमें मैं सारी व्हिप हुई क्रीम डाल दूंगी। अब इस पर बादाम मैंने जो कटे हुए हैं वो डाल दूंगी। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो, पिस्ता हो वो डाल लें या काजू, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इस पर बटर पेपर भी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह एयर टाइट हो जाए। अब इस बॉक्स को ऊपर से बंद कर दें इस तरह। अब मैं इसे फ्रीज़र में 8 से 9 घंटों के लिए रख दूंगी। चाहे तो पूरी रात भी रखें, उतनी ही अच्छी आइसक्रीम जमेगी। अब इंशाल्लाह हमारी 9 घंटे बाद दोबारा मुलाकात होती है। व्यूअर्स, आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे 10 घंटे हो गए। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये जम गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। मैंगो के ये पीस थोड़े से ऊपर ऐसे डेकोरेट कर दें। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम जमी है और खाने में बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। आपने ज़रूर मेरी रेसिपी पे अमल करना है। इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम भी बेहतरीन सी बन जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको जल्दी टाइम पे मिलती रहें। बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।